सभी नेपाली दाजू बहनी को मेरे तरफ से नमस्ते। मेरा नाम है आर्यन और आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मैजिकल रिएक्शन। हमेशा की तरह आज एक और नेपाली वीडियो का रिएक्शन करने जा रहा हूँ, जो कि एक नेपाली मूवी का टीजर आया है, जिसके एक्टर हैं प्रदीप खड़का। जी हाँ, प्रदीप खड़का, ये देखिए, सॉरी, ये प्रदीप खड़का जो एक उभरता सितारा है नेपाल का, जिसका डंका जो है अब इंडिया में भी बजने वाला है, क्योंकि इनकी प्रेम गीत 3 जो है वो हिंदी में रिलीज होने वाली है, जो कि फाड़ के रख देगी इंडस्ट्री को। तो इनकी एक मूवी आ रही है जिसका नाम है प्रकाश, तो उसका टीजर आया है। तो इसमें जो लुक है ना प्रदीप खड़का, वो डिफरेंट लग रहा है मुझे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर फिल्म में एक हीरो वाला करेक्टर करना और एक फिल्म आती है जिसमें करेक्टर रोल करना, तो मुझे जो इनका लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है और मूवी से। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। इस मूवी का नाम प्रकाश नहीं प्रदीप होना चाहिए था, बट कोई होगा उनका अपना सिस्टम जो मूवी को मैच करता होगा। प्रकाश मतलब सूजो बहादुर कया मृतक हो कि बेपता हो। सीरियस मूवी लग रही है यार। ये जो बज रहा है ना इंस्ट्रूमेंट, इसको रांगे कहते हैं, रांगे। कहीं क्या बनने बाव आउने आसमा बसा को ये को बाव पनि बाचा छ जस्तो लाग्यो नि। प्रसाद दुख गरी परिकन पनि पैसा खानु पर्ने भए हुनु पर्ने नै मलाई मास्टर सर। बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है यार नेट। ओ यार मेरो मेहनत खडो भयो। क्या बात है, वो इथे के लागि लडे बहु को सपना में टेक दिन आवे। प्रकाश राउत 26 अगस्त को आ रही है। दिल छू लिया दिल। क्या बात है यार। इसी के साथ ये वीडियो हमारी समाप्त हो गई। यार क्या बोलूं मैं इस बारे में। एक हीरो वाला रोल होता है, उसमें क्या होता है कि चश्मा पहना दिया, जैकेट पहना दिया है, लंबे बाल और मेकअप हो रखा है ना। तो मतलब ये देखो कि प्रदीप खड़का कितने हैंडसम है, और इनको हैंडसम ना दिखाने के लिए मेकअप किया गया है। वैसे ही हीरो को हैंडसम दिखाने के लिए मेकअप लगाया जाता है, इनको ना हैंडसम दिखाने के लिए, गाँव का करेक्टर देने के लिए, सिंपल आदमी का इनको मेकअप किया गया है, ना जो अच्छा ना दिखे। तो यार प्रदीप भाई फील प्राउड, मैं असल एक्टर इसी को मानता हूँ। देखो बंदे ने थोड़ा सा टीजर के अंदर थोड़ा सा ही इनका दिखाया गया है, लेकिन एक्टिंग देखना किस लेवल का किया है प्रदीप ने। तो असली एक्टिंग जो प्रदीप खड़का की है मुझे इसमें लग रही है भाई, क्योंकि जैसे नेचुरल एक्टर जो होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, बिना मेकअप के, बिना देखो। और आज तक का मेरे को लग रहा है आज तक का बेस्ट जो एक्टिंग वाला मेरे को यही लगने वाला। मैं मूवी शायद देख पाऊँ या नहीं भी, लेकिन ट्रेलर आएगा तो ट्रेलर में देख के मैं बता दूंगा। मेरे को लगता है कि प्रदीप का आज तक का बेस्ट मूवी होने वाला है, भले ही बिजनेस इतना नहीं करे शायद, लेकिन जो एक्टिंग जो होती है ना उभर के जो निकलती है एक कलाकार की, वो इसमें मेरे को प्रदीप खड़का की दिख रही है यार। और मैं आपको बता दूं प्रदीप खड़का का डंका जो इंडिया में बजने वाला है प्रेम गीत 3 से, क्योंकि आने वाली हिंदी में। और अपने जितने मेरे दोस्त हैं यहाँ पे सबको दिखा के लाऊंगा मैं, मेरे तरफ से प्रॉमिस है कि उनको भी पता लगेगा भाई नेपाल की फिल्में भी ऐसी बनती हैं। तो प्रदीप भाई ये है असली एक्टिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि ये होता है एक्टिंग। दिल जीत लिया यार प्रदीप ने। वैसे मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है ये बंदा। मैं मतलब बहुत कम एक्टर होते हैं जिनको मैं मतलब फेवरेट बना लेता हूँ। मैंने इनकी मूवी देखी थी प्रेम गीत 2 नेपाल में, जो एक गोपी कृष्णा थिएटर है वहाँ पे ना, बहुत फेमस है, उसमें देखा था। और मैंने 3 बार देखा था, एक बार जब देखा तो मेरे ख्याल 3-4 ही बंदे थे, और मेरा लास्ट का सीन देख के आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मैं प्रॉमिस करके आया था उस थिएटर में गोपी कृष्णा में, मैं मेरी मूवी भी एक दिन इस थिएटर में लगेगी, और ये प्रॉमिस है। मैं मतलब बोल के आया था,
मेरे जज्बात थे और मैं भी एक एक्टिंग एक्टर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी करता हूँ थिएटर इंडिया में और वीडियोस वगैरह भी बनाता हूँ मैं खुद की। तो प्रदीप से तो मिलना मेरा एक ड्रीम भी है, तो मिलूँगा मैं भाई से। और यार ये फिल्म, ये है असली एक्टिंग, ये जो भी मैंने देखा। तो ट्रेलर का बेताबी से इंतज़ार रहेगा मेरा। मेरे ख्याल से ये अगस्त में रिलीज़ होने वाली है, तो ये तो ज़्यादा दिन नहीं है यार। कोशिश करूँगा यार नेपाल में आके देखूँ, क्योंकि यूट्यूब में आने में तो यार 2 साल लग ही जाते हैं। तो मज़ा आ गया, मतलब मज़ा आ गया। कोई मतलब इस मूवी के लिए कोई वर्ड नहीं है। म्यूज़िक और एक एक्टर आंटी थी शायद, उन्होंने यहाँ पे कुछ लगा रखा था। उन देखो कितना नेचुरल लग रहे थे यार, ये होता है एक्टिंग। तो फिर इसका ट्रेलर का मुझे इंतज़ार रहेगा, और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं इसका ओरिजिनल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप भी देखना और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो आपका जो मुझे प्यार बहुत मिल रहा है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नेपाल की जनता मतलब मेरे वीडियोज़ को मतलब पसंद कर रही है, और यहाँ इंडिया के भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी, वो भी मुझे बोलते हैं कि यार ऐसी चीज़ हमें नहीं देखने को पता था कि नेपाल में भी ऐसा बनता है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलते हैं। और फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय सभी नेपाली दाजू बहनी को मेरी तरफ से फिर से नमस्ते।